जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के उस बयान का पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कांग्रेस की गुंडा पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि विश्वास सारंग सत्ता के गुरूर में इतरा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि विश्वास सारंग यह ना भूले कि ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिनकी वह चरण वंदना करते थे। आज भी सोशल मीडिया में उनके वह फोटो उपलब्ध हैं जब वह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पैर छू रहे हैं। पूरे भोपाल में चर्चा है कि जो शालीनता कैलाश सारंग जी में थी वह विश्वास सारंग में नहीं है। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि कल तक जो दिग्विजय सिंह के पैर छुआ करते थे आज वह उनके खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि बहुत ही शर्मसार करने वाला है। उन्होंने कहा कि विश्वास सारंग अपने पिता कैलाश सारंग के स्वभाव से विपरीत हैं। कैलाश सारंग जी जितने मिलनसार थे विश्वास सारंग उतने ही अहंकारी हैं। जिला पंचायत चुनाव के समय दिग्विजय सिंह और पुलिस कर्मियों की जब झड़प हुई उसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया में बयान दिया कि दिग्विजय सिंह ने जो गुंडई दिखाई है पुलिस अधिकारियों के साथ झड़प की है इसके लिए उन्हें गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए। विश्वास सारंग ने इसके लिए सोनिया गांधी को एक पत्र भी लिखा है। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।